हैं जी, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी बैट मारता है, बॉल के ऊपर गेंद दौड़ती है, दूसरी टीम का खिलाड़ी भी भारतीय होता है, उसको बॉल रोकनी नहीं चाहिए। लॉजी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बाजी। मैं हूं राहुल मार्किन, मेरे साथ हैं शिखर वार्ष्णेय और बीच में बैठे हैं एक ऐसे शख्स, एक इतनी महान पर्सनालिटी जिनका इंट्रोडक्शन नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है जी, कोई तारुफ देने की जरूरत ही नहीं है। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपके शो क्रिक बाजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना अच्छा शो आपका चल रहा है, ये जो आईपीएल चल रहा है, ये हमारे देश की एकता को दर्शाने का एक मंच ही तो है। क्या बात है जी, क्या बात है। कितने सारे विदेशी खिलाड़ी आते हैं और हमारे खिलाड़ियों से भिड़ जाते हैं जी। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी बैट मारता है, बॉल के ऊपर गेंद दौड़ती है, दूसरी टीम का खिलाड़ी भी भारतीय होता है, उसको बॉल रोकनी नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि अच्छा, हम ऐसा करेंगे तो वे विदेशी खिलाड़ी विदेश में जाकर के बोलेंगे कि भारत के खिलाड़ी भले ही अलग राज्य से खेलते हों पर उनमें एकता आती है। सर, ये प्लान बड़ा खतरनाक है आपका। रुकिए जरा, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक। आज की बात करते हैं, राजस्थान और गुजरात में हमें पता ही है, आप तो आज गुजरात को फेवर करेंगे, है ना? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, एक जैसा खाना खाते हैं और एक जैसा क्रिकेट भी खेलते हैं। और मैं तो राजस्थान का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मुंबई का भी करता हूँ, हार्दिक हार्दिक आ रहा है बार बार बीच में, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारा कप्तान ही हार्दिक है। ये देखो, आपकी नई टीम है इस बार, नई आईपीएल में आई है, तो क्या उम्मीद है मतलब गुजरात से? जब कभी हम भी नए थे तो ये दिल्ली के गलियारे वाले कहते थे क्या करेंगे जी, लेकिन हमने जो करके दिखाया है ना। और आप लगातार तीन मैच जीत भी रहे हो अभी, तो तीन बार लगातार मैं जीता था, अपनी गुजरात जीत गई है। जब गुजरात जीतता है तो मैं जीतता हूँ, यही विश्वास के साथ आज हमारी टीम उतरने वाली है और आप देखिएगा हमारा गुजराती कैसा ठोकेंगे। सर ये बताइए आप कि गुजरात की आप इतनी बातें कर रहे हैं, स्टेडियम बहुत खूबसूरत है वहाँ का, वहाँ पर एक भी मैच नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? देखिए, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, जहाँ पर बोर्ड का मन करता है वहाँ कला, सब लोगों को लगता है कि सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उनको जहाँ लगता होगा कि यहाँ जीत सकते हैं वहाँ करवा दिया है मैं। तो सर एक बात और कि खेल को लेके क्या योजना है आपकी, मतलब आर रेट कैसे देखते हैं आप खेल को जाते हुए? देखिए, खेल को लेकर के मेरी नीति साफ है कि भारत का झंडा बुलंद होना चाहिए, खेलो इंडिया और जम के पेलो इंडिया। अच्छा, एक बार और मैं पूछना चाहूंगा, मतलब हिंदुस्तान हर बार ट्राई बहुत करता है पर बहुत देर से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, इसके पीछे क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या रीजन हो सकता है? कुछ विदेशी ताकतें हैं जो हमारी टीम को वर्ल्ड कप जीतने से रोकती है, लेकिन जल्दी ही हमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा और जल्द निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप क्या होता है जी, एक कप ही तो है। मेरे गुजरात में ऐसे ऐसे कारीगर हैं जो उससे सुंदर और उससे बड़ा वर्ल्ड कप बना करके दिखा सर आप हैं। कभी आप खेले हैं, आपने कभी बचपन में खेला हो, बल्ला उठाया हो अपने हाथ में? देखिए, मेरा क्रिकेट से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तो इसी बल्ले से पिटा करता था घर में, घर वाले मुझे पीटते थे, और सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, वो तो शक्ल से लग रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आपकी शक्ल से दिख रहा है कि आप क्रिकेट को लेके बहुत सीरियस हैं। अब हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो क्रिकेट के रिश्ते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। आज पड़ोसी मुल्क की ये हिम्मत नहीं कि मेरे देश के आईपीएल में खेल सके। क्या बात है। आप पर राहुल भाई की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, मतलब उन्होंने तो हरा पहना है और क्यों? अच्छा, तभी नहीं देख रहे। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि मेरा राहुल नाम के किसी भी देखते ही लगता है कि अभी आंख मारेगा। अच्छा, और गले लगाएगा।
गले तो लगना चाहिए पर गले पड़ना नहीं चाहिए। सही बात, क्या बात है। ठीक है जी, तो पाजी अब ये हो गया आज के मैच की बात। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। एक बार अंत में आप सभी को कहना चाहता हूँ, जम के आईपीएल देखिए या क्रिकबाजी देखिए। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्रिकेट में खुशहाली कैसे लाई जाए। देखिए मैं मानता हूँ इसका बहुत सिंपल तरीका है, क्रिकेट में जब बैट्समैन बल्ला लेकर के खड़ा होता है, दूसरी तरफ भी बल्ला लेकर खड़ा होता है, क्योंकि एक बल्ला होता है, अगर उनको दो बल्ले दे दिए जाएं तो वो होंगे बल्ले, और दूसरी तरफ भी दो बल्ले तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, आप होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी, बल्ले बल्ले होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा जी, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई आज का मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, चार में से तीन मैच राजस्थान जीती है, चार में से तीन मैच गुजरात जीती है, मतलब दोनों ही 50-50 का मुकाबला है, बराबर का मामला है। और ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो हारते हारते मैचेस भी अपने जीती हैं, चाहे वो तेवतिया के छक्के रे रो, चाहे वो जॉस बटलर की इनिंग्स रे रो, तो इन इनिंग्स ने या फिर इनके जो प्लेयर्स हैं इन्होंने मैचेस तो जिताए हैं। तो आज भी मतलब टॉस शायद से एक फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करेगी। पर एक चीज का पिछले कुछ मैचेस में मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी चेन्नई के साथ भी हुआ था, अब टॉस इतना मैटर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ना आजकल ये है कि भाई आपने आपका अगर बैलेंस अच्छा है टीम में तो भाई पहले हो रहा था शुरू शुरू के मैचेस में, टॉस जीतो मैच जीतो, बैलेंस की भी बात है। और दूसरी चीज ये कि जब आप यार 215-220 रन बना दोगे तो सामने वाली टीम ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ ही जाती है, तो भाई पहले टॉस हारो भी पर रन अच्छे रन अच्छे बनाओ, और इन दोनों टीम्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा रन बना सकते। ठीक है, तो राजस्थान की टीम से सबसे अच्छे जो चले हैं इनके लिए वो चले हैं जॉस बटलर, और उसके साथ संजू सैमसन ने अच्छा साथ दिया है उनका। उसके बाद हेटमायर पिछले मैच में उन्होंने 59 रन की बड़ी धुआंधारी इनिंग्स खेली थी, वो मतलब वो तो हर मैच में चल रहा है यार, पता नहीं खतरनाक है यार, उसने बहुत अच्छा खेला है, जब से हेयर कलर करवाया है तब से उसका थोड़ा काम सही चल रहा है, वो शायद से किसी पंडित ने बताया होगा, जब से दिल्ली छोड़ी है तब से सही चल रहा है। दिल्ली भाजी आपका तो दुख है ना, दिल्ली में नहीं चल पाया था वो इतना। और बाकी राजस्थान की टीम ने पिछली बार ये किया कि उन्होंने यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम से निकाला, क्योंकि वो इतने सारे मैचेस में नहीं चल पाए थे, तो शायद से वो इस मैच में भी नहीं रहेंगे। उसके बाद उनके पास देवदत्त पडिक्कल है, उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज 8 ओवर है स्पिनर के अश्विन प्लस चहल, तो मतलब वो दोनों ही ऐसे हैं जो 20-25 रन ही देते हैं। और चहल तो यार मतलब मुझे लग रहा है कि आरसीबी में चलो कहते थे कि चहल 7 साल रहा और बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट यहाँ पर मतलब रंग ही बदल गया, मतलब अच्छा ही रहता, बहुत ही अच्छा रहता, बहुत ही अमेजिंग। उसके बाद वंडर हुसैन जो है उन पे थोड़ा सा दाव डाला है, पिछले मैच में वो नहीं चले, इस बार देखना पड़ेगा कि वो चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं। गुजरात की टीम की अगर बात करें, हाँ गुजरात की टीम बहुत बैलेंस्ड है, जैसे राजस्थान है वैसी गुजरात है, बहुत बैलेंस्ड है। एक चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैथ्यू वेट पे बहुत भरोसा कर रहे हैं वो रूट, और उनकी टीम में रिद्धिमान साहा भी है, तो एक तो आपका फॉरेन वाला स्लॉट भी बच रहा है, और ऊपर से रिद्धिमान साहा कर सकते हैं, हाँ रिद्धिमान साहा रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि चार मैच में 56 रन ही बनाए हैं मैथ्यू वेट ने अभी तक, क्या पता एक दो चांस और दें और उसके बाद करें। पर चलो शुभमन गिल मैथ्यू वेट स्लैश आपका फेवरेट प्लेयर अच्छा विजय शंकर ने पर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, शुभमन गिल की बात करनी पड़ी, पिछले मैच में वो नहीं चल पाए उतने अच्छा, बट 96 रन जो उन्होंने मारे थे, ठीक है वो भाई इनिंग्स वैसी थी कि सेंचुरी होती तो ज्यादा डिजर्विंग होती। इनफैक्ट आईपीएल शुरू होने से पहले भी बताया था कि एनसीए में जब वो रिहैब पे थे तो उन्होंने T20 स्पेशलिस्ट शॉट्स सीखी हैं, जो उन्होंने कहा था कि इस बार जब आप आईपीएल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कलर आपको डिफरेंट दिखाई देगा, और वो सच में दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है, और मतलब वो भी है ना कि एक तो आप सचिन की फैमिली से आते हैं, ऊपर से आप सेंचुरी भी कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें भी हैं। और तो चलते हैं जी फैंटेसी 11 पे, कौन सी टीम आज हम चुनेंगे और पैसे जीतेंगे। वैसे हम तो हर बार जीते हैं, पर फिर भी आपको बता दें कि इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, तो अपनी सोच समझ से ही टीम बनाएं। क्या बनाई है हमने, टीम बनाई है हमने विकेट कीपर्स बहुत बोरी, हमने जॉस बटलर, संजू सैमसन और रिद्धिमान साहा स्लैश मैथ्यू वेट, तो वो टॉस के बाद आप डिसाइड कर देना। उसके बाद बैट्समैन हमने दिए हैं शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और अभिषेक मनोहर। अभिषेक मनोहर पिछले मैच में बहुत अच्छा चले थे और उनसे उम्मीदें भी नहीं है रोनों को इतनी, तो अच्छी बाएँ। उसके बाद ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या को आप मिस नहीं कर सकते, राहुल तेवतिया को आप मिस नहीं कर सकते। बॉलर्स में हमने दिए हैं युजवेंद्र चहल, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा। तो भाजी ये रल रही है टीम 11, क्या रल रहा है मतलब क्या हो पाएगा यार? मुझे लगता है कि ये टीम आपको 1000 रुपये आराम से जिता सकती है, बट अच्छे सोच समझ के इन्वेस्ट करना, हम करते हैं और हमें मिलते भी हैं पैसे। चलो जी अब तो बारी है क्रिकबाजी के बाजीगर की, और एक सवाल अब हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए
आपको ये बताना है सबसे ज्यादा रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स इन आईपीएल किस टीम ने मारे हैं आज तक, हाईएस्ट। मैं आपको ये बता देता हूं 172 for 2। अब आपको टीम का नाम बताना है। ये हाल फिलहाल की बात है क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, पुरानी बात है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी पुरानी बात है। हाल फिलहाल की बात, नंबर 3 पे है सीएसके, जिन्होंने अभी जो लेटेस्ट इनका मैच हुआ था 156 मारा था। तभी मैं रहा था कि शायद उसी बात कर रहे हो आप, बट हाँ मैं तो नहीं समझ पाया। अगर आप समझ पाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एचटी स्मार्ट ट्रस्ट, फीवर एफएम, इन सारे चैनल्स पे जाओ, मेरे चैनल पे आओ, राहुल भाई के चैनल पे आओ, बिल्कुल ये जरूरी है। शिखर _VAR, राहुल माकिन 1, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो और क्रिकबाजी यूं ही देखते रहो।